हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओवर ऑल परफॉर्मेंस ऑफ टर्बोफैन, टर्बोफैन का समग्र प्रदर्शन। एक निश्चित बाईपास अनुपात और वायु प्रवाह के साथ एक मिश्रित टर्बोफैन पर विचार करते हैं। संपीड़ित प्रणाली के समग्र दबाव अनुपात को बढ़ाने से दहनकर्ता प्रवेश तापमान बढ़ जाता है, इसलिए एक निश्चित ईंधन प्रवाह पर टर्बाइन रोटर इनलेट तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि संपीड़ित प्रणाली में उच्च तापमान वृद्धि का अर्थ है टरबाइन प्रणाली पर एक बड़ा तापमान गिरना। मिश्रित नोजल तापमान अप्रभावित है क्योंकि सिस्टम में समान मात्रा में गर्मी जोड़ी जा रही है। हालांकि नोजल दबाव में वृद्धि होती है क्योंकि समग्र दबाव अनुपात टरबाइन विस्तार अनुपात की तुलना में तेजी से बढ़ता है, जिससे गर्म मिक्सचर प्रवेश दबाव में वृद्धि होती है। नतीजतन शुद्ध थ्रस्ट बढ़ता है जबकि विशिष्ट ईंधन खपत घट जाती है। एक समान प्रवृत्ति मिश्रित टर्बोफैन के साथ होता। टर्बोफैन इंजन को समग्र दबाव अनुपात और टर्बाइन रोटर इनलेट तापमान को एक साथ बढ़ाकर अधिक ईंधन कौशल बनाया जा सकता। हालांकि टर्बाइन रोटर इनलेट तापमान और कंप्रेसर डिलीवरी तापमान दोनों में वृद्धि से निपटने के लिए एक बेहतर टर्बाइन सामग्री या बेहतर वेन ब्लेड कूलिंग की आवश्यकता होती। बाद वाले को बढ़ाने के लिए बेहतर कंप्रेसर सामग्री की आवश्यकता हो सकती है। पंखे LP कंप्रेसर दबाव अनुपात या HP कंप्रेसर दबाव अनुपात में सुधार करके समग्र दबाव अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। यदि उत्तरार्ध को स्थिर रखा जाता है तो कंप्रेसर डिलीवरी तापमान में वृद्धि HP यांत्रिक गति में वृद्धि का तात्पर्य। हालांकि तनाव संबंधी विचार इस पैरामीटर को सीमित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है समग्र दबाव अनुपात में वृद्धि के बावजूद HP कंप्रेसर दबाव अनुपात में कमी। सरल सिद्धांत के अनुसार यदि टर्बाइन रोटर इनलेट तापमान कंप्रेसर डिलीवरी तापमान का अनुपात बनाए रखा जाता तो HP टर्बाइन थ्रोट क्षेत्र को बनाए रखा जा सकता है। हालांकि यह मानता है कि डेटॉम कंप्रेसर निकास प्रवाह फंक्शन को बनाए रखते हुए चक्र सुधार प्राप्त किया जाए। व्यवहार में कंप्रेसर और कूलिंग ब्लेड निष्कर्षण की गैर आयामी गति में परिवर्तन संभवतः इस धारणा को अमान्य कर देगा, जिससे HP टरबाइन थ्रोट क्षेत्र में कुछ समायोजन अपरिहार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि HP टरबाइन नोजल गाइड वैन को मूल रूप से अलग होना होगा। सभी संभावनाओं में डाउनस्ट्रीम LP टरबाइन नोजल गाइड वैन को वैसे भी बदलना होगा। कोर पावर को बढ़ाकर थ्रस्ट ग्रोथ प्राप्त की जाती है, इसके लिए दो बुनियादी रास्ते उपलब्ध हैं। हॉट रूट, जिसको HP टरबाइन रोटर इनलेट तापमान बोलते हैं, ठंडा मार्ग कोर प्रवाह में वृद्धि। दोनों मार्गों के लिए दहन ईंधन प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता होती है और इसलिए कोर स्ट्रीम में उष्मा ऊर्जा को जोड़ा जाता है। हॉट रूट के लिए टर्बाइन ब्लेड वेन सामग्री में बदलाव या बेहतर ब्लेड वेन कूलिंग की आवश्यकता हो सकती है। कोल्ड रूट इनमें से किसी एक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। LP IP संपीड़न में बूस्टर चरण जोड़ना, HP संपीड़न में शून्य चरण जोड़ना, संपीड़न प्रक्रिया में सुधार, बिना चरणों को जोड़े उच्च प्रशंसक हब दबाव अनुपात, जिससे समग्र दबाव अनुपात और कोर वायु प्रवाह दोनों में वृद्धि होगी। वैकल्पिक रूप से कोर एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए समग्र दबाव अनुपात को बदले बिना कोर का आकार बढ़ाया जा सकता है। यह तरीका महंगा है क्योंकि एक नई टर्बाइन प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। आंतरिक कोर को अवशोषित करने के लिए पंखे में भी बदलाव किए जाने चाहिए। एक सिविल इंजन पर जेट शोर के विचारों का मतलब है कि टेक ऑफ थ्रस्ट में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पंखे के दरम्यान प्रवाह में भी इसी तरह की वृद्धि होनी चाहिए। विशिष्ट थ्रस्ट सामान्य रूप से टर्बोफैन और जेट इंजन के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। एक पंखे की कल्पना करें तो आकार की इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित एक पाइप के भीतर काम कर रहा है जो एक प्रोपेलिंग नोजल से जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी स्पष्ट है कि पंखे का दबाव अनुपात जितना अधिक होगा जेट वेग और संबंधित विशिष्ट थ्रस्ट उतना ही अधिक होगा। अब कल्पना करें कि हम इस सेट अप को एक समतुल्य टर्बोफैन से बदल सकते हैं। वायु प्रवाह और समान पंखे का दबाव अनुपात जाहिर है टर्बोफैन के कोर को कम दबाव टर्बाइन के माध्यम से पंखे को चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति का उत्पादन करना चाहिए। यदि हम गैस जनरेटर के लिए कम टर्बाइन इनलेट तापमान चुनते हैं तो क्षतिपूर्ति के लिए कोर एयर फ्लो को अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए, इसलिए संबंध बाईपास अनुपात अपेक्षाकृत कम है। यदि हम टर्बाइन इनलेट तापमान बढ़ाते हैं तो कोर एयर फ्लो छोटा हो सकता है, जिससे बाईपास अनुपात बढ़ सकता है। टर्बाइन इनलेट तापमान बढ़ाने में से थर्मल दक्षता बढ़ती है और इसलिए ईंधन दक्षता में सुधार होता है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु घनत्व में कमी आती है और इसलिए इंजन का नेट थ्रस्ट भी कम होता है।
उड़ान की गति पर प्रभाव पड़ता है और थ्रस्ट रेट कहा जाता है। नेट थ्रस्ट के अनुमानित समीकरण भी है। उच्च विशिष्ट थ्रस्ट इंजन के साथ जेट वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए सहज रूप से कोई यह देख सकता है कि उड़ान वेग में वृद्धि का नेट थ्रस्ट पर माध्यम विशिष्ट थ्रस्ट इंजन की तुलना में कम प्रभाव पड़ता है। जहाँ नेट वेग कम होता है, कम विशिष्ट थ्रस्ट इंजन पर थ्रस्ट लैप्स दर का प्रभाव और भी अधिक गंभीर होता है। ऊंच उड़ान गति पर ऊंच विशिष्ट थ्रस्ट इंजन इनटेक और रेमडाइज के माध्यम से नेट थ्रस्ट उठा सकते हैं, लेकिन यह प्रभाव शॉक वेव लॉस के कारण सुपरसोनिक गति पर कम हो जाता है। सिविल टर्बोफैन पर थ्रस्ट वृद्धि आमतौर पर पंखे के वायु प्रवाह को बढ़ाकर प्राप्त की जाती है, जिससे नेट शोर को बहुत अधिक होने से रोका जा सकता है। हालांकि बड़े पंखे के वायु प्रवाह के लिए कोर से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कोर में अधिक वायु प्रवाह को प्रेरित करने और टरबाइन इनलेट तापमान को बढ़ाने के लिए समग्र दबाव अनुपात को बढ़ाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ में यह पैरामीटर कोर थर्मल दक्षता को बढ़ाता है और ईंधन दक्षता में सुधार करता है। कुछ ऊंच बाईपास अनुपात वाले सिविल टर्बोफैन पंखे की कार्यरेखा को नियंत्रित करने के लिए बाईपास स्टेम पर एक अत्यंत कम क्षेत्र अनुपात अभिसारी विचलन नोजल का प्रयोग करते हैं। नोजल ऐसे कार्य करता है मानो इसमें परिवर्तनशील ज्यामिति हो। कम उड़ान गति पर नोजल अनचॉक्ड होता है, इसलिए निकास गैस गले के पास पहुंचने पर तेज हो जाता है और फिर डाइवर्जेंट सेक्शन तक पहुंचने में थोड़ी धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप नोजल निकास क्षेत्र पंखे के मिलान को नियंत्रित करता है और गले से बड़ा होने के कारण पंखे की कार्यरेखा को उछाल से थोड़ा दूर खींचता है। ऊंच उड़ान गति पर सेवा में रैम वृद्धि नोजल दबाव अनुपात को उस बिंदु तक बढ़ा देती है जहां गला चौक हो जाता है। टर्बोफैन के ऑफ डिजाइन व्यवहार को कंप्रेसर मानचित्र और टर्बाइन मानचित्र के तहत चित्रित किया गया। क्योंकि आधुनिक सिविल टर्बोफैन कम विशिष्ट थ्रस्ट पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक पंखा दबाव अनुपात विकसित करने के लिए केवल एक ही पंखे के चरण की आवश्यकता होती है। इंजन चक्र के लिए वांछित समग्र दबाव अनुपात आमतौर पर कोर संपीड़न को कई अक्षीय चरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। रोल्स रॉयस कोर संपीड़न को एक मध्यवर्ती दबाव के साथ दो भागों में विभक्त किया गया, जो एचपी कंप्रेसर को सुपरचार्ज करता है। दोनों इकाइयों को एक ही चरण वाले टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है, जो अलग अलग सॉफ्ट पर लगे होते हैं। नतीजतन एचपी कंप्रेसर को केवल एक मामूली दबाव अनुपात विकसित करने की आवश्यकता है। यूएस सिविल इंजन बहुत अधिक एचपी कंप्रेसर दबाव अनुपात का उपयोग करते हैं। चूंकि सैन्य इंजनों को आमतौर पर समुद्र तल पर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम होना पड़ता है, इसलिए एचपी कंप्रेसर डिलीवरी तापमान की सीमा का सिविल इंजन की तुलना में काफ़ी मामूली डिजाइन समग्र दबाव अनुपात पर पहुंच जाते हैं। साथ ही मध्यम से उच्च विशिष्ट थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए पंखे का दबाव अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। नतीजतन आधुनिक सैन टर्बोफैन के आमतौर पर केवल 5 एवं 6 एचपी कंप्रेसर चरण होते और केवल एक चरण एचपी टर्बाइन की आवश्यकता होती है। कम बाईपास अनुपात वाले सैन्य टर्बोफैन में आमतौर पर एक एलपी टर्बाइन चरण होता है, लेकिन उच्च बाईपास अनुपात वाले इंजनों को 2 चरणों की आवश्यकता होती है। सिद्धांत रूप में आईपी कंप्रेसर चरणों को जोड़कर एक आधुनिक सैन्य टर्बोफैन एच कंप्रेसर का उपयोग सिविल टर्बोफैन व्युत्पन्न में किया जा सकता है, लेकिन उच्च थ्रस्ट अनुप्रयोगों के लिए कोर बहुत छोटा होगा। अब इसमें सुधार की बात करें तो एरोडायनेमिक्स एक आधुनिक टर्बोफैन के एक ही पंखे गैस कंप्रेसर ब्लेड पर सबसोनिक ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक एयरफ्लो का मिश्रण है। ब्लेड से गुजरने वाले एयरफ्लो को बढ़ते दबाव के खिलाफ हवा को बहते रहने के लिए करीबी कोणीय सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए, अन्यथा हवा को सेवन से वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। पूर्ण प्राधिकरण डिजिटल इंजन नियंत्रण को इंजन को नियंत्रित करने के लिए सटीक डेटा की आवश्यकता होती है। विश्वसनीय सेंसर के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए एक नए इंजन प्रकार के विकास के दौरान निकास गैस तापमान और टीआईटी जैसे अधिक आसानी से मापे जाने वाले तापमान के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। निकास गैस तापमान की निगरानी तब की जाती है जब यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंजन बहुत अधिक गर्म ना हो। जेट इंजन के बड़े हो जाने के साथ ही पंखे के ब्लेड भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक पंखे का ब्लेड 9 डबल डेकर बसों के बराबर हो जाता है। हर सेकेंड स्क्वायर कोट के बराबर हवा निकलता है। कम्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स मॉडलिंग में प्रगति से बहुत चौड़े कोड के साथ जटिल 3D घुमावदार आकृतियाँ की अनुमति दी है, जिससे पंखे की क्षमता बनी रहती है और ब्लेड की संख्या कम से कम करके लागत किया जा सकता।
संयोग से बाईपास अनुपात में वृद्धि हुई जिससे उच्च प्रणोदन दक्षता प्राप्त हुई और पंखे का व्यास बढ़ेगा। रोल्स रॉयस ने 1980 के दशक में RB21 में वायु गतीय दक्षता और विदेशी वस्तु क्षति प्रतिरोध के लिए खोखले टाइटेनिक वाइड कॉर्ड फैन ब्लेड का विडा उठाया और फिर ट्रेड के लिए। जी ए वीसन ने 1995 में JE90 पर कार्बन फाइबर कंपोजिट फैन ब्लेड पेश किए जिन्हें 2017 से कार्बन फाइबर टैप लेयर प्रक्रिया के साथ निर्मित किया जा रहा है। जीए पार्टनर्स और फाइन से CFM56 और CFM लीफ इंजन के अल्बानी कंपोजिट के साथ 3D ओक तकनीक विकसित की थी। तो ये थी आपकी टर्बो फैन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।